दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं अपने। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज का लेसन 1 स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ऑलरेडी ये जो एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज़ है ये हिंदी में पढ़ाई जाती है। अब हम इस वीडियो के अंदर इंग्लिश में इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो हमारा इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 1 का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट जो वर्ड है इसका मतलब तो आपको पता होगा, एनवायरमेंट वर्ड जो है इसका मतलब होता है वातावरण। तो वातावरण क्या है, एनवायरमेंट क्या है। द टर्म एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरन। तो ये जो एनवायरमेंट हमारा शब्द है, टर्म है, ये निकाली गई है, यानी कि डिराइव्ड का मतलब होता है निकाली गई है, एक फ्रेंच के शब्द से एनवायरन। एनवायरन एक शब्द था, उससे ये टर्म एनवायरमेंट निकाली गई है। और ये जो एनवायरन शब्द है इसका मतलब होता है सराउंडिंग, और सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास। तो एक तरीके से हमारे एनवायरमेंट का मतलब हुआ हमारे आसपास जो भी कुछ है वो सब मिलकर हमारा वातावरण बनता है, यानी कि एनवायरमेंट बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच सराउंड अस दैट इज ऑल बायोटिक कॉम्पोनेंट्स और लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग और अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, एयर, वाटर, सनलाइट एट्सेट्रा, प्रेजेंट इन नेचर फॉर्म एनवायरमेंट। तो एनीथिंग यानी कुछ भी और सब कुछ, यानी कि हमारे आसपास जिसने भी हमें घेरा हुआ है, हमारे आसपास चारों तरफ कोई भी चीज़ हो, सारी की सारी जो वो चीज़ें होती है, अब चाहे उसमें बायोटिक कॉम्पोनेंट्स आते हो, यानी कि बायोटिक कॉम्पोनेंट्स को ही लिविंग बींग्स भी कहते हैं फ्रेंड्स। तो लिविंग बींग्स का मतलब वो जो जिंदा होते हैं, तो बायोटिक का मतलब भी होता है जीवित, तो वो कंपोनेंट्स जो जीवित हो, तो वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और नॉन लिविंग यानी कि जो जीवित ना हो, निर्जीव, और अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि अजैव, जो जीवित नहीं होते, तो उसमें हवा, पानी, सनलाइट ये सब आते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें घेरी हुई है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, ठीक है, तो यानी कि चाहे वो पेड़ पौधे हो, एनिमल्स हो, इंसान खुद हो, हवा, पानी, पौधे, पेड़, पहाड़, चाहे वो कुछ भी हो, सारी चीज़ें आपस में मिलकर नेचर के अंदर एनवायरनमेंट को बनाती है। तो वो हमारी प्रकृति के अंदर मिलकर हमारा वातावरण बनाती हैं। तो चाहे वो कुछ भी, एक सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं, तो हमारे आसपास जो कुछ भी है, वो कुछ भी हो, पेड़ पौधे हो, हमारे आसपास जानवर हैं, हम इंसान खुद हैं, पानी है, सूरज की रोशनी है, पत्थर है, पहाड़ है, सड़कें हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलकर वातावरण को बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वी गेट ऑल बेसिक थिंग्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एग्जांपल क्लीन एयर, वाटर, फूड, मेडिसिन, रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। तो हम जो हैं, हम सारे अपनी बेसिक थिंग्स यानी छोटी से छोटी चीज़ें हमारी और हमारी जितनी भी हम सर्विसेज लेते हैं वो सब हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, प्रदान होती हैं, यानी एनवायरनमेंट हमें देता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे साफ हवा, पानी, खाना, दवाइयाँ, यहाँ तक कि जो इंडस्ट्रीज हम चलाते हैं उनके लिए कच्चा माल भी हमें एनवायरनमेंट से ही मिलता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण के, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है घटक या फिर अंग। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर एटमोसफेयर, एयर, लिथोस्फेयर, रॉक्स एंड सॉइल। तो लिथोस्फेयर को रॉक्स एंड सॉइल भी कह सकते हैं, एटमोसफेयर को एयर भी कह सकते हैं, हाइड्रोस्फेयर को वाटर कह सकते हैं, बायोस्फेयर को लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट कह सकते हैं। तो ये हमारे 4 जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के, जिनसे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो मिलकर बना है। तो फर्स्ट जो हमारे कॉम्पोनेंट है वो है एटमोसफेयर। एटमोसफेयर को फ्रेंड्स हिंदी में वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल यानी कि इसके अंदर हम जो भी पढ़ेंगे सब हवा से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। थिन शीट ऑफ गैशियस मिक्सचर विच एनवेलप्स द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफेयर।
यानी पतली शीट, जिसकी गैसियस मिक्सचर्स की, यानी जितनी भी गैसें होती हैं वो जो आपस में मिलकर एक मिश्रण बना लेती हैं, मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, तो उनकी एक पतली सी शीट जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर घेरे रखती है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। जैसे कि सोचो ये एक हमारी हो गई पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक पतली सी शीट हवा की, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। इट स्प्रेड्स अप टू 300 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो ये जो हमारी एटमॉस्फेयर की पतली सी परत है ये अर्थ की सरफेस से 300 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। यहाँ से देखोगे तो 300 किलोमीटर यहाँ से, तो इस तरीके से जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल की जो पतली सी शीट है ये अर्थ के ऊपर 300 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। अपार्ट फ्रॉम गैसेस देयर आर वाटर वेपर, इंडस्ट्रियल गैसेस, डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट्सेट्रा। तो यानी गैसेस के अलावा भी इसमें जो मतलब वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर की जो पतली सी शीट है इसके अंदर गैसेस के अलावा वाटर वेपर यानी कि भाप, इंडस्ट्रियल गैसेस, इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलती है वो, डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि हमारे चारों तरफ जो ये एयर है, हवा है, इसकी बनावट मतलब कैसे, यानी इस हवा के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसके अंदर नाइट्रोजन है जो कि 78% हमारी हवा के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन इसके अंदर 20% है, आर्गन इसके अंदर 0.93% है, अप्रोक्सीमेट मानो तो आप 1% मान लो, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर 0.04% है और बाकी के जो बची कुछ गैसेज हैं वो ट्रेसेज में है, यानी कि बहुत कम है, नाम मात्र ही कह लो। तो ये हमारी हवा की बनावट हो गई। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर लेयर्स। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये चार लेयर्स के अंदर, चार परतों के अंदर बटा हुआ। मैंने आपको बताया था हमारी पृथ्वी की जैसे कि सतह मान लो, ठीक है, पृथ्वी की सतह से 300 किलोमीटर ऊपर तक जो है ये एटमॉस्फेयर जो है वायुमंडल ये फैला हुआ है। तो इसके अंदर ये जो हमारा वायुमंडल है ये चार परतों के अंदर डिवाइडेड है। तो पहली है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मीजोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द एल्टीट्यूड इज कॉल्ड लैप्स रेट। यानी कि देखो एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई एंड रेट का मतलब होता है दर। तो जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस जो होती है यानी अर्थ की सतह से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर के यानी कि जो ताप होता है उसके बदलने की जो दर है उसको लैप्स रेट कहते हैं, यानी जिस दर के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं लैप्स रेट। अब एक एक करके पढ़ते हैं अपना कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो वो चारों लेयर्स थी एक एक करके उनको समझते हैं। फर्स्ट लेयर थी हमारी ट्रोपोस्फेयर, लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एयर फाउंड इन दिस रीजन। यानी कि जितनी भी हमारी अर्थ पर हवा है उसकी जो मैक्सिमम परसेंटेज है यानी कि ज़्यादा हवा जो है वो हमारी इस वाली लेयर के अंदर पाई जाती है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर पाई जाती है, इसलिए बोला है लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ एयर जो है वो इस रीजन के अंदर पाई जाती है। अपर लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोपोज। तो ट्रोपोस्फेयर जैसे कि देखो ये हमारी ट्रोपोस्फेयर एक पूरी हो गई लेयर ट्रोपोस्फेयर, तो इसका जो अपर वाला लेयर है इसकी भी जो ऊपरी लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे हम इस पूरी जैसे पूरी लेयर हो गई इसके अंदर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जो तापमान है जो टेम्परेचर है वो नीचे गिरता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा ऊंचाई के साथ साथ, और वो -6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से घटेगा। यानी आप एक किलोमीटर ऊपर गए तो -6.4 डिग्री सेल्सियस यानी जितना भी सेल्सियस था उससे इतना कम हो जाएगा। आप उससे एक और ऊपर किलोमीटर ऊपर गए तो अब जो टेम्परेचर था उससे इतना टेम्परेचर और कम हो जाएगा, यानी पर किलोमीटर इतने टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू -56 डिग्री सेल्सियस। देखो सबसे पहली जो हमारी लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, जैसे कि हमारी अर्थ की सरफेस हुई तो इसके ऊपर वाली जो सबसे पहली लेयर हो गई, तो चार लेयर है, एक लेयर ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो इस तरीके से चारों लेयर हमारी हो गई। तो जो हमारी पहली लेयर है ये है ट्रोपोस्फेयर।
तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो गिरता जाएगा, यानी कम होता चला जाएगा। तो ग्राउंड लेवल पे, यानी कि जब अभी हम पृथ्वी के सतह पर ही है तो जो टेम्परेचर होगा इस पर वो होगा 15 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जो सबसे ऊपर की जो परत आ जाएगी इसकी, जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हो जाएगी, तो वहाँ वाली जो लेयर होगी उस पर टेम्परेचर जो होगा वो -56 डिग्री सेल्सियस होगा, और उस लेयर को ट्रोपोपोज बोलते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया भी था कि अपर लेयर इसको ट्रोपोपोज, तो ट्रोपोपोज पे जो टेम्परेचर होगा वो -56 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग इन दिस लेयर, यानी कि जो तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा इस लेयर के अंदर फ्रॉम ट्रोपोपोज। यानी कि देखो, मैंने अभी आपको बताया था जैसे कि अर्थ की सरफेस हो गई, यहाँ तक तो थी हमारी ट्रोपोस्फेयर, अब इसके ऊपर आ गई हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। तो जहाँ पर ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हो रही थी वहाँ पे थी हमारी ट्रोपोपोज, उसको बोलते वहाँ पे था टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि नीचे हमारी अर्थ की पूरी सरफेस है, तो उस पर सबसे पहली जो हमारी लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। तो जो ट्रोपोस्फेयर लेयर जहाँ पर ख़त्म हुई है उसको ट्रोपोपोज कहते हैं, और ट्रोपोपोज पे टेम्परेचर था हमारा -56 डिग्री सेल्सियस। अब जहाँ से हमारी स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हुई, मतलब यहाँ से ट्रोपोपोज से जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर थी वो ट्रोपोपोज से शुरू हुई और वो जो ऊपर ख़त्म हुई, तो उसकी भी जो सबसे ऊपर की लेयर थी उसको स्ट्रेटोपोज बोला है। तो स्ट्रेटोपोज जो हो गया वो स्ट्रेटोस्फेयर के लिए तो ख़त्म हो गई वहाँ पर, लेकिन मीजोस्फेयर वाली जो लेयर है वो यहाँ से शुरू हुई है, और ये जब शुरू हुई है ऊपर जाके ये ख़त्म हुई है मीजोपोज पर, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हुई है हमारी थर्मोस्फेयर वाली लेयर। तो मैंने आपको भी स्ट्रेटोस्फेयर वाला मैं आपको लेयर समझा रही थी, तो मुझे आपको समझाना था कि जैसे जैसे आप ट्रोपोपोज से ऊपर जाते जाओगे तो जो टेम्परेचर है वो -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेटोपोज का जो टेम्परेचर होगा वो -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट समझाने का आपको यही था कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे इस लेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर के अंदर, टेम्परेचर जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, यानी कि गिरता जाएगा, वो -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो एक कॉमन सी बात आप इस डाइग्राम के अंदर क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इसके अंदर जो हर एक लेयर है वो जहाँ ख़त्म हो रही है उसके उस ऊपर वाले हिस्से को ट्रोपोपोज, यानी कि उनके जो भी लेयर का नाम है उसके आगे पोज लगा के एक नाम रख दिया गया है। जैसे कि वो ट्रोपोस्फेयर की थी तो उसका ट्रोपोपोज रख दिया, स्ट्रेटोस्फेयर की थी तो उसको स्ट्रेटोपोज बोल दिया, मीजोस्फेयर की वो लेयर थी तो उसको मीजोपोज दे दिया। तो ये कॉमन सी बात आप इस पूरे डायग्राम के अंदर देख रहे हो। तो ऊपर से आप एक यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि यहाँ पे डिक्रीजेस लिखा है, यहाँ पे इंक्रीजेस लिखा है। तो ये जो तीनों लेयर हैं इनके अंदर जो टेम्परेचर है वो गिरेगा, यानी कि कम होगा, लेकिन जो थर्मोस्फेयर वाली लेयर है इसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। तो अब चलिए वापस से अपने उस थ्योरी वाले कंटेंट के ऊपर चलते हैं। मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि जैसे जैसे जो टेम्परेचर है उस लेयर के अंदर आप ऊपर जाओगे तो वो टेम्परेचर -56 डिग्री सेल्सियस से -2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। एंड ये ट्रोपोपोज और स्ट्रेटोपोज, आई होप आप ये दोनों टर्म्स किस लिए यूज़ की गई हैं यहाँ पे आप समझ गए होंगे। सो एज ओजोन, यानी कि O3 लेयर अपर स्ट्रेटोस्फेयर एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन एंड टेम्परेचर राइजेज। तो यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो लेयर है, इसकी जो अपर वाली लेयर है उसको ओजोन लेयर भी बोलते हैं। तो ओजोन लेयर जो है वो एब्जॉर्ब करती है सोलर रेडिएशन को, जिससे कि क्या होता है टेम्परेचर राइज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। ओजोन लेयर इन दिस रीजन एब्जॉर्ब्स हार्मफुल यूवी रेडिएशन, मेनली अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन बिकॉज ऑफ ये बी सी का मतलब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बिकॉज लिखा है, बिकॉज ऑफ विच लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ सरफेस। यानी कि ओजोन लेयर जो है इस रीजन के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वो एब्जॉर्ब करती है, सोखती है हार्मफुल हानिकारक यूवी रेडिएशन को। तो ये जो यूवी रेडिएशन है कहाँ से आती है, ये सूरज से आती है, सूरज की जो किरणें होती है ना फ्रेंड्स उनके अंदर बहुत हार्मफुल यूवी रेडिएशन होती है। तो यूवी रेडिएशन में भी जो सबसे ज़्यादा हानिकारक है वो है यूवी बी रेडिएशन। तो अगर जो ओजोन लेयर है वो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करे तो हमारी अर्थ के ऊपर क्या होगा, लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो ओजोन लेयर इसको
एब्सॉर्ब कर लेती है, इसी कारण हमारी लाइफ जो है अर्थ के ऊपर वो पॉसिबल हो पा रही है। ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन लेयर जो है वो घट रही है दिन पर दिन, किसकी मदद मतलब किसकी वजह से, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रेजेंस की वजह से। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एक तरीके की गैस होती है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स ACs के वजह अंदर जो गैस फिल की जाती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैस होती है। तो ये गैस जब एनवायरनमेंट के अंदर आती है और ऊपर जाती है ओजोन लेयर तक, जब ये गैस पहुंचती है तो ओजोन लेयर को ये जो गैस है उसके अंदर छेद करने शुरू कर देती है, उसकी वजह से वो लेयर बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। आपको पता भी होगा, आपने सुना होगा कि अंटार्कटिका का जो रीज़न है उसके ऊपर जो हमारी ओजोन लेयर है उसके अंदर एक छेद हो चुका है, जिसकी वजह से यानी कि ओजोन लेयर में उस छेद की वजह से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है सूरज की वो पृथ्वी तक आती है और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लोगों को हो रही है। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है मेसोस्फीयर। हमारी मैंने अभी आपको बताया था चार लेयर थी, तो पहली लेयर थी एक हमारी, दूसरी हमने पढ़ ली अपनी स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरी लेयर अब हम अपनी पढ़ने जा रहे हैं मेसोस्फीयर। सो टेम्परेचर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो यानी इस लेयर के ऊपर भी क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज करना यानी कि घटना शुरू हो जाता है एंड रीचेस एट -96°C और टेम्परेचर क्या होता है वो -96°C तक पहुंच जाता है एट अपर बाउंड्री ऑफ लेयर, यानी कि इस लेयर की जो अपर बाउंड्री है जब तक वहां तक टेम्परेचर पहुंचता है वो -96°C हो जाता है और उस अपर बाउंड्री को बोलते हैं मीज़ोपोज़, यानी कि जो ये वाली बाउंड्री होगी इसको मीज़ोपोज़ बोलेंगे। डेंसिटी ऑफ एयर इज़ वेरी लो, तो जो डेंसिटी है हवा की इस वाली लेयर के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम है। इम्पॉर्टेंट केमिकल स्पीसीज फाइंड इन दिस रीजन आर O2+ एंड NO+ विच डू नॉट एब्सॉर्ब मच सोलर रेडिएशन। IMP DOT का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। सो इम्पॉर्टेंट केमिकल स्पीसीज जो है वो बहुत ज़रूरी ऐसी केमिकल स्पीसीज हैं जो इस रीजन के अंदर पाई जाती हैं, जिसमें कि आते हैं आयनिक ऑक्सीजन एटम्स एंड NO एटम्स, सॉरी आयन्स। तो जो ये पाए जाते हैं इसके अंदर जो कि एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ज़्यादा सोलर रेडिएशन को, यानी सूरज से आने वाली जितनी भी रेडिएशन होती हैं ये जो इसके अंदर आयन्स हैं ये सूरज की रोशनी को इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, मतलब नाम मात्र करते हैं। नेक्स्ट है हमारी थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर मैंने आपको बताया हमारी फोर्थ लेयर है। फर्स्ट लेयर थी हमारी ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड लेयर थी हमारी स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड लेयर थी हमारी मेसोस्फीयर एंड फोर्थ लेयर हमारी थर्मोस्फीयर। सो आयनिक ऑक्सीजन एटम्स मीन्स O2+ एंड अदर आयन्स इन दिस लेयर एब्सॉर्ब शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। तो इस वाली लेयर के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन एटम्स जो है वो भी प्रेजेंट है, आयनिक ऑक्सीजन एटम्स, और दूसरे आयन्स भी इस लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो आयन्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन को। अब देखो फ्रेंड्स ये शॉर्ट वेव का मतलब क्या हुआ, तो सोलर रेडिएशन जो होती है दो तरीके की होती हैं, एक होती है लॉन्ग वेवलेंथ वाली, एक होती है शॉर्ट वेवलेंथ वाली। वेवलेंथ अगर आप साइंस से पढ़े हुए तो आपको पता होगा वेवलेंथ क्या होता है, तो जो शॉर्ट वेवलेंथ वाली सोलर रेडिएशन होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली फ्रॉम -96°C टू 1200°C। तो इस लेयर के अंदर जो तापमान है वो एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देता है। अभी हमने पढ़ा था कि मेसोपॉज की जो अपर लेयर थी अपर बाउंड्री थी उसमें टेम्परेचर -96°C था, तो जैसे ही थर्मोस्फीयर लेयर में आते हैं ये यहाँ से -96 से सीधा 1200°C पर पहुँच जाता है। आप देख रहे हो एकदम से कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। तो ये वो सारी की सारी लेयर्स जो मैंने आपको डायग्राम्स के थ्रू समझाई थी, तो आप एक बार फिर से इस डायग्राम को समझिए। ये हमारी फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रोपोस्फीयर की जो अपर बाउंड्री है उसको ट्रोपोपोज़ बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर की उसको स्ट्रेटोपोज़ बोलते हैं, मेसोस्फीयर की अपर बाउंड्री को मेसोपोज़ बोलते हैं। तो एक कॉमन नेम ये इन तीनों लेयर्स के अंदर है। तो इसके अंदर जब आप आते हो ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर जो होता है वो घटना शुरू हो जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर वाली जो हमारा ये लेयर है इसके अंदर भी टेम्परेचर, सॉरी फ्रेंड्स, इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। अभी हमने नोटिस किया है कि वो -56°C से -2°C हो गया है, तो यानी कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है
लेकिन जब हम मीजोस्फेयर वाले में जाते हैं तो इसमें वापस से घट जाता है, और जब हम थर्मोस्फेयर वाले में जाते हैं तो इसमें टेम्परेचर जो बढ़ता है। तो ये जो लेयर्स थी मैंने आपको समझा दी हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारा कॉम्पोनेंट एनवायरनमेंट का, वो है लिथोस्फेयर। इसका मतलब होता है भूमंडल। द वर्ड लिथोस मीन्स रॉक, तो जो वर्ड लिथोस है इसका मतलब होता है रॉक। ये ओरिजिनेटेड हुआ, यानी कि जो वर्ड लिथोस है ये उत्पन्न हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, यानी कि जो हमारा वर्ड लिथोस हो गया ये ग्रीक वर्ड है। अर्थ स्ट्रक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो जो हमारी अर्थ की जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिवाइडेड कर सकते हैं काफ़ी पार्ट्स के अंदर। तो एक होता है क्रस्ट, यानी बाहरी हिस्सा जो होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को मैंटल बोलते हैं, एंड इनर अंदर वाले हिस्से को कोर बोलते हैं। अब जो एक कोर है ये भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक होती है आउटर कोर, एक होती है इनर कोर। तो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सोचिए पूरी हमारी अर्थ है, अर्थ को मैंने बीच में से काट दिया, मैंने उसको आपके सामने रख दिया। तो अब ये जो बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलेंगे क्रस्ट, बीच वाली को बोलेंगे मैंटल, एंड अंदर वाली को बोलेंगे कोर। अब देखो अंदर वाली को मैंने टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक ये है एक ये है। इस वाली को बोलेंगे आउटर कोर एंड इस वाली को बोलेंगे इनर कोर। तो अब ये लिथोस्फेयर क्या है? हमारा जो एक क्रस्ट होता है, क्रस्ट के ऊपर की जो मिट्टी होती है, यानी कि जिस मिट्टी के अंदर हम पेड़ पौधे उगाते हैं, जिसके ऊपर पहाड़ होते हैं, जिसके ऊपर हमारी सारी नदियाँ समुद्री, जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो होता है हमारा लिथोस्फेयर। उस वाली लेयर को बोलते हैं लिथोस्फेयर। सो लिथोस्फेयर इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट। तो लिथोस्फेयर जो है ये सबसे बाहरी लेयर है क्रस्ट की, विच रिप्रेजेंट्स द लैंड मास, जो कि रिप्रेजेंट करती है भूमि को प्लैनेट के, यानी हमारी अर्थ जो प्लैनेट है उसके ऊपर जितनी भी भूमि है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर कंसिस्ट, लिथोस्फेयर जो है मिलकर बनता है रॉक से, यानी चट्टान से, मिट्टी से, सेडिमेंट्स यानी तलछट से, और मिनरल्स से। तो इन सब से मिलकर हमारा लिथोस्फेयर बनता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है हाइड्रोस्फेयर। इसको हिंदी में जल मंडल बोलते हैं। इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो वाटर से रिलेटेड सब कुछ पढ़ने वाले हैं। ग्रीक वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर, तो एक ग्रीक का वर्ड है हाइड्रो, जिसका मतलब होता है पानी। हाइड्रोस्फेयर रिप्रेजेंट होल वाटर प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ, तो जो हाइड्रोस्फेयर है ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दर्शाता है वो पूरे पानी को जितना भी हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, यानी हमारे पृथ्वी के ऊपर जितना भी पानी पाया जाता वो सब हाइड्रोस्फेयर के अंदर आता है। वाटर इज प्रेजेंट इन थ्री फेजेस, यानी कि जो पानी है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर तीन चरणों में पाया जाता है, यानी तीन अलग अलग फेजेस में पाया जाता है। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो सॉलिड होता है इसके अंदर आइस और ग्लेशियर्स में पाए जाते हैं, यानी कि जो जमा हुआ पानी होता है सॉलिड की फॉर्म में। आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, तो वो सॉलिड की फॉर्म में जो हमारा पानी होता है वो पाया जाता है। लिक्विड की फॉर्म में हमारा पानी जो है वाटर बॉडीज के उसमें पाया जाता है, जैसे कि कैसे समुद्र के अंदर हमारा जो पानी होता है वो लिक्विड होता है, तरल होता है। हमारी नदियों के अंदर, तालाबों के अंदर, इन सब के अंदर हमारा पानी लिक्विड होता है। एंड गैसियस फॉर्म में हमारा जो पानी होता है, मतलब वो गैसियस कैसे पाया जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में, यानी जब हमारा पानी जो भाप बनकर उड़ता है तो वो गैसियस फॉर्म होती है। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर पानी जो है वो इन तीन फेजेस के अंदर पाया जाता है। वाटर कवर्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जितना भी हिस्सा पाया जाता है उसका लगभग 3/4 जो है वो तो पानी ने ही कवर कर रखा है, 3/4 हिस्सा हमारी पृथ्वी का पानी ने घेर रखा है। वाटर यानी कि H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O ऑन अर्थ। तो पानी जो हमारी पृथ्वी के ऊपर वो कैसे पाया जाता है, 97% पानी जो होता है वो सलाइन वाटर है, यानी कि नमकीन पानी है। तो नमकीन पानी किस किस फॉर्म में पाया जाता है, समुद्र की फॉर्म में, ओशन एंड सी, यानी कि महासागर और सागर की फॉर्म में। फ्रेश वाटर जो है वो सिर्फ 3% है हमारी पृथ्वी के ऊपर, और वो भी अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि 2% जो वो आइस कैप यानी कि ग्लेशियर की फॉर्म में, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं ना फ्रेंड्स, जो ग्लेशियर्स होते हैं इनके अंदर जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, पीने लायक पानी होता है। और बाकी जो 1% है वो सरफेस या फिर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में होता है। सरफेस पे जैसे कि हमारी जो नदियाँ होती है, लेक होते हैं, तालाब होते हैं, ये सब कैसे हमारी सरफेस के ऊपर इनमें पानी पाया जाता है, उनके अंदर भी साफ पानी होता है। और थोड़ा सा जो होता है वो ग्राउंड वाटर यानी हमारी मिट्टी के अंदर जो पानी पाया जाता है वो भी साफ होता है। सो ये हो गया हमारा पानी
नेक्स्ट है हमारा बायोस्फेयर। तो बायोस्फेयर को बोलते हैं जैव मंडल। तो ग्रीक वर्ड बायोस, तो ये जो बायोस है ये ग्रीक का शब्द है जिसका मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन। द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमोसफेयर इन विच प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन लिव कॉल्ड बायोस्फेयर। तो हमारी पृथ्वी की सतह का वो हिस्सा और हमारे एटमोसफेयर का यानी वातावरण का वो हिस्सा जिसके अंदर जानवर और पौधे एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और जीवित रहते हैं यानी जिंदा रह सकते हैं, उस हिस्से को, पृथ्वी के उस हिस्से को बोलते हैं बायोस्फेयर। यानी कि वो जगह जहाँ पर सब आपस में मिलकर जीवित रहते हैं उस जगह को बायोस्फेयर बोलते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट के ये चार कॉम्पोनेंट्स थे जो मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो हमारी वातावरण से रिलेटेड एजुकेशन जो है वो क्या है। इन द सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी यानी जब 20th सेंचुरी का सेकेंड हाफ चल रहा था यानी आधी वो ख़त्म हो चुकी थी लेकिन जब उसका आधा हिस्सा चल रहा था, इट वॉज रिकमेंडेड टू डिज़ाइन सेपरेट कोर्स फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये सलाह दी गई थी, रिकमेंडेड का मतलब होता है सलाह देना। तो ये रिकमेंड किया गया था कि मतलब हमें जो है ज़रूरत है, हमें एक एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए एक सेपरेट कोर्स हमें डिज़ाइन करना चाहिए कि यानी कि एक अलग से एक ऐसा कोर्स हमें बनाना चाहिए जिसके अंदर हम हमारे वातावरण से रिलेटेड लोगों को शिक्षा दे सकें। तो जो वो डिज़ाइन यानी कि जो वो कोर्स जो है वो अलग से बनाया गया था उसको एनवायरमेंटल साइंस भी बोल सकते हैं या फिर स्टडीज़ भी, यानी कि कॉमनली कॉल्ड उसको हम जो सामान्यतः हम उसको एनवायरमेंटल साइंस भी बोलते हैं और एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1971 यानी कि यूनेस्को के अकॉर्डिंग 1971 में द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ आर, तो यानी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के उद्देश्य क्या थे यानी कि इसको बनाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य थे कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो एक कोर्स बनाया गया इसको क्यों बनाया जाए, किन उद्देश्यों के साथ इसको बनाना चाहा। सो क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अमंग पीपल। सो यानी कि क्रिएटिंग का मतलब होता है बनाना, यानी लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना अपनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर, यानी कि आपके वातावरण में कितनी ज़्यादा समस्याएं हैं, लोगों को उनके प्रति जागरूक करना। तो एक ये भी उद्देश्य था कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ को क्यों पढ़ाया जाए, क्यों बनाया जाए। डेवलपिंग एन एटीट्यूड ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट यानी कि एक ऐसा रवैया जो है उसको डेवलप करना लोगों के अंदर कि वो अपने एनवायरमेंट को लेकर चिंतित हो, यानी कि ऐसा ना जैसे फ्रेंड्स क्या हुआ बीच में ऐसा एक टाइम आया कि लोगों ने पेड़ पौधों के और अपने नेचर की बिल्कुल ही मतलब कदर करनी छोड़ दी, पेड़ों को काटना इतना ज़्यादा शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। तो तभी जो है हमारी सरकार को भी और बाकी पूरे देश को, पूरे पृथ्वी के जितने भी देश हैं उन सबको लगा कि हाँ अब हमें लोगों को नेचर के प्रति यानी कि प्रकृति के प्रति जागरूक करने की ज़रूरत है, वो इसके महत्वता को नहीं समझ पा रहे। तो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, एक अलग ही ऐसा कोर्स बना देते हैं जिसमें प्रकृति से रिलेटेड सारी शिक्षा दी जाए और उसको उन्होंने एनवायरमेंटल साइंस और स्टडीज़ बोला। तो अब एनवायरमेंटल स्टडीज़ को बनाने के पीछे उद्देश्य उनके क्या थे, पहला तो ये कि वो लोगों को जागरूक बनाना चाहते थे कि हमारे एनवायरमेंट में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रति जागरूक बनाना चाहते थे। दूसरा वो लोगों के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप करना चाहते थे जिसकी वजह से वो अपने प्रकृति के लिए, अपने वातावरण के लिए चिंतित हो, उसके प्रति सोचें। तीसरा है मोटिवेटिंग पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट यानी कि वो इसके थ्रू प्रेरित करना चाहते थे पब्लिक को, सभी लोगों को, कि वो भाग ले अपने मतलब कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी वो किए जाते हैं इवेंट्स किए जाते हैं या फिर एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए जितने भी इवेंट्स किए जाते हैं, तो वो प्रेरित करना चाहते हैं कि जो पब्लिक है, लोग हैं, वो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, पार्टिसिपेट करें। गिव्स बेसिक नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम, वो इसके ज़रिए इनका एक उद्देश्य ये भी था कि वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के ज़रिए लोगों को बेसिक नॉलेज देना चाहते थे एनवायरमेंट के प्रति और उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी वातावरण की समस्याओं से रिलेटेड वो लोगों को छोटी सी एक नॉलेज देना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने उसका एनवायरमेंटल स्टडीज़ और एनवायरमेंटल साइंस जो सब्जेक्ट है इनकी डेवलपमेंट की। स्ट्राइविंग टू अटेन हारमोनी विद नेचर यानी कि वो उन्होंने एक उनके उद्देश्य ये भी था कि लोग जो है वो कोशिश करें यानी कि
सामंजस्य प्राप्त करने की कोशिश करें नेचर के साथ, यानी अपने आप को नेचर के साथ मिलाकर देखने की कोशिश करें। तो ये सारे उद्देश्य थे कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है उसको क्यों बनाया गया। यूनेस्को एंड यूनेप व यूएनईपी जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो यूनेस्को और यूनेप जो है इन्होंने मिलकर एक सबसे पहली मतलब एक इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस जो थी एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर वो ऑर्गेनाइज की। और इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस मतलब सरकार और सरकार के बीच में जो वो होती है ना कॉन्फ्रेंस, उसको बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल, तो इसको अंतर सरकारी भी बोल देते हैं। तो इन्होंने यूनेस्को और यूनेप ने मिलकर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की एनवायरमेंटल एजुकेशन से संबंधित। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज इन 1977 एट तिब्लिसी जॉर्जिया। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1977 में जॉर्जिया के अंदर तिब्लिसी में। द गोल्स ऑफ कॉन्फ्रेंस वर्स, यानी कि इस कॉन्फ्रेंस को करने के पीछे लक्ष्य क्या थे, यानी इसके लक्ष्य क्या है इस कॉन्फ्रेंस के। टू प्रोवाइड एवरी पर्सन विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर नॉलेज वैल्यूज एटीट्यूड्स कमिटमेंट एंड स्किल्स नीडेड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है मौके, एक्वायर का मतलब प्राप्त करना, वैल्यूज़ मूल्य, एटीट्यूड्स रवैया, कमिटमेंट का मतलब वादा, और स्किल्स का मतलब होता है कौशल। तो इसका सबसे पहला लक्ष्य तो ये था कि हर एक पर्सन को मौके प्रदान करना कि वो अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो ज़रूरी उनको मतलब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए यानी सुधार करने के लिए जिस जिस ज्ञान की ज़रूरत थी, किन किन मूल्यों की, रवैये की, वादों की, कौशल की ज़रूरत है, इनके ज़रिए उसको वो सिखाया जा सके। यानी कि हर एक आदमी को ऐसे मौके प्रदान करना कि वो अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए नॉलेज प्राप्त कर सके, वैल्यूज़ प्राप्त कर सके और ऐसा अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप कर सके। तो पहला लक्ष्य तो ये था इस कॉन्फ्रेंस का। सेकेंड जो गोल था इस कॉन्फ्रेंस का वो था to create new patterns of behavior of individuals, groups and society towards the environment। यानी कि एक अलग तरीके का बिहेवियर बना देना लोगों का, समूहों का और पूरी सोसाइटी का एक एनवायरनमेंट के प्रति उनके, यानी कि लोगों के अंदर एक ऐसी मानसिकता का यानी कि एक ऐसे व्यवहार की डेवलपमेंट करना कि लोग जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो, उसके प्रति संवेदनशील हो। To foster awareness and concern about environment in urban and rural areas, यानी कि foster का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना। तो उन्होंने इसका एक लक्ष्य ये भी था इस कॉन्फ्रेंस को करने के पीछे कि वो प्रोत्साहित करना चाहते थे शहरी और ग्रामीण इलाकों को, जागरूक करना चाहते थे environment के प्रति। यानी कि वो चाहते थे कि शहरी और ग्रामीण areas जितने भी हैं वो सब जागरूक हो और वो चिंतित हो अपने एनवायरनमेंट को लेकर, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में, उसे बचाने के बारे में कदम उठाएं। तो इस कॉन्फ्रेंस को करने के पीछे ये तीन गोल्स थे। नेक्स्ट हमारा द कैटेगरीज ऑफ एनवायरनमेंटल एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स आर, यानी कि अब हमारी एनवायरनमेंटल एजुकेशन जो है इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। सो फर्स्ट है अवेयरनेस, यानी कि एनवायरनमेंटल एजुकेशन के ज़रिए जागरूकता फैलाई जाए। तो टू हेल्प सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स एक्वायर एन अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम। तो एनवायरनमेंटल एजुकेशन की मदद से जितने भी सामाजिक ग्रुप हैं और जो लोग हैं इनको इस लायक बनाया जाता है कि वो इनकी मदद से जागरूकता प्राप्त कर सके और संवेदनशीलता प्राप्त कर सके अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड और उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हो जाए। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन को बनाने के पीछे ये भी उद्देश्य था कि मतलब इसके ज़रिए लोगों को अवेयर किया जाए। सेकेंड है हमारा नॉलेज, टू हेल्प एक्वायर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम्स, यानी कि मदद करना, यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन के ज़रिए मदद की जाए लोगों की एक बेसिक यानी एक बेसिक समझ बनाने में अपने एनवायरनमेंट और उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक ऐसी नॉलेज को प्राप्त कर सके जिसकी जिससे कि फिर वो आगे जाके अपने एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए और उसका विकास करे। तो ऐसी समझ को भी बनाने के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एटीट्यूड,
टू हेल्प सोशल ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स एक्वायर अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड फीलिंग ऑफ कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। तो इसमें भी वही है कि मतलब एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन के जरिए मदद की जाए लोगों की और समूहों की कि वो एक ऐसा मूल्य और ऐसी फीलिंग्स को अपने अंदर, यानी एनवायरमेंट से रिलेटेड चिंता वाली फीलिंग और ऐसे मूल्यों को अपने अंदर प्राप्त कर सके कि वो अपने एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाए और उसको बचा कर रखें। स्किल्स टू हेल्प एवरीवन एक्वायर द स्किल्स फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो मदद करना, यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन के जरिए मदद करना हर किसी की कि वो ऐसी कौशल, ऐसे स्किल्स को एक्वायर कर सकें, यानी कि प्राप्त कर सकें, जिससे कि वो अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पहचान भी सके और उनको सॉल्व भी कर सके। तो इस लायक लोगों को बनाने के लिए एनवायरमेंटल एजुकेशन को बनाया गया। नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन, टू प्रोवाइड सोशल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद एन अपॉर्चुनिटी टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व एट ऑल लेवल्स अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इसके ज़रिए क्या है, लोगों को ऐसे मौके प्रदान करना, यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन के जरिए लोगों को इतना जागरूक बना देना कि वो बढ़ चढ़ कर ऐसे ऐसे इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, यानी हर स्तर पर पार्टिसिपेट करें जिसके ज़रिए वो अपने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को जो है ख़त्म कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया, यानी अब हमारे इंडिया के अंदर एनवायरमेंटल एजुकेशन की क्या अहमियत है। इंडिया टेकिंग इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू प्रमोट एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी हमारा जो भारत है वो बहुत ज़रूरी कदम उठा रहा है एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। इट वॉज स्टार्टेड बाय मैनी यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया ड्यूरिंग 1985 टू 2000, यानी कि 1985 से लेकर और 2000 तक के बीच में हमारे भारत के अंदर ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसको अपने कोर्सेज के अंदर मिला लिया है, ताकि लोग, बच्चे जो हैं कोर्सेज के ज़रिए उसको पढ़े और एनवायरमेंट से रिलेटेड अपना सारी नॉलेज को प्राप्त करें और आगे चल के जो हमारी भावी पीढ़ी है ये अपने एनवायरमेंट की रक्षा करें। इन 1991 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में लिखा है, ऑफ इंडिया गेव डायरेक्शंस टू मेक इट अ कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल स्ट्रीम्स एट यूजी, यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल्स। 1991 के अंदर हमारी जो माननीय हमारी सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने इंडिया को ये डायरेक्शन, ये निर्देश दिए कि एनवायरमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए हर किसी स्ट्रीम के लिए, यानी चाहे वो ट्वेल्थ में साइंस पढ़ के आया हो, कॉमर्स पढ़ी हो उन्होंने या फिर उन्होंने आर्ट्स की हो, चाहे कोई भी उन्होंने स्ट्रीम ली हो उनके पास, वो बीकॉम करे आगे, बीएससी करे, कुछ ही करे, ये जो हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट है इसको कंपलसरी बना दिया जाए अंडर ग्रेजुएट लेवल्स पे, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं उस लेवल पे। तो हमारे इंडिया ने भी एनवायरमेंटल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो हमारा इस पूरे चैप्टर का, यानी लेसन वन का हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है फ्रेंड्स, छोटा से छोटा डाउट क्यों ना हो, आप प्लीज़ मुझसे अपना डाउट क्लियर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।